अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को जुम्मतुल विदा मुबारक हो। रमज़ान का आखिरी रोज़ा है, कल इंशाल्लाह ईद है फॉर श्योर, क्योंकि 30 रोज़े पूरे हो गए। ईद से एक दिन पहले वाला जो दिन है बड़ा रश वाला होता है, लेकिन क्योंकि सुबह में गर्मी इतनी होती है अभी, क्योंकि 40 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, तो लोग कम निकले हुए होते हैं। तो ये बहुत अच्छा टाइम है अपना कोई भी काम इस वक्त निपटाने का। कोशिश किया करें रमज़ान कि जो आखिरी रात हो उसमें ना निकलें, अपने जो काम है। अच्छा, देखा जाए, आप लिस्ट करें क्या क्या काम हो सकते हैं आपको। आपको कपड़े उठाने हो सकते हैं, आपको जूते ख़रीदने हो सकते हैं, या छोटी मोटी और जो चीज़ें होती हैं इसी तरह की अपेरल्स में। तो ये कोई ऐसे काम तो नहीं है जिनको आखिरी वक्त तक टाला जाए। और मैं मानता हूँ कि लोगों की कमिटमेंट्स बहुत ख़राब होती हैं, और वो लोग जो दिन जो वक्त कमिट करते हैं उस पर आपका काम कंप्लीट करके नहीं देते। वाई पुश थिंग्स टू द लास्ट मोमेंट, टू द वेरी लास्ट मोमेंट? आप पहले भी अगर ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करके रख लें तो आसानी होगी। मैं कंटिन्यू करूँगा बाद में, अभी मैं बाल कटवाने के लिए आया हूँ, थोड़े से ट्रिमिंग करवाने। सॉरी, हेयर कट हो गया और बाकी जो ख़रीदारी करनी थी थोड़ी बहुत वो भी कर ली है। मैंने कुछ अनयूजुअल सी चीज़ें खरीदी हैं ईद के लिए, एक बैट खरीदा है, कुछ बॉल्स वगैरह खरीदी हैं। अक्सर ऐसा होता था, मतलब पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए खरीदी हैं। खैर, अब किसी के पास टाइम नहीं है और ना ही कोई इतने फरागत से आता है ईद की छुट्टियों पर, लेकिन पहले सारे कज़न्स जमा होते थे ईद के दिनों में। हम रात को छत पर ही क्रिकेट खेला करते थे, घर की छत पर, तो बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं वो। उनको ताज़ा करने के लिए मैंने खैर बैट वगैरह ले लिया। मेरा जो रखा हुआ था जिससे हम खेलते थे वो बहुत ख़राब हुआ हुआ था। उस वक्त टाइम बहुत होता था लेकिन सामान कम होता था। जितनी जाएँ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ख़रीद लें आप, कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि लोग नहीं हैं जिनके साथ आप खेलते थे पहले। मैं खैर इसको सैड नहीं रखना चाहता इस वीडियो को, अच्छा खुशी का दिन है। अब देखें, अब ब्रश बढ़ता जा रहा है क्योंकि टाइम अब 4:15 हो चुके हैं, लोग निकल रहे हैं। ऑब्वियसली सबकी ये कोशिश होती है कि बग़ैर किसी परेशानी के, टेंशन के, जल्दी से जल्दी काम निपटा लें अपने। खैर, मैं वापस जा रहा हूँ। मसला ये हुआ कि मुझे याद आया कि मैंने एनवलप्स नहीं लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि गाड़ी में एसी होता है तो रोज़ों में बाहर निकलना दिन के टाइम भी इतना परेशान को नहीं लगता जब तक आप ड्राइव कर रहे हो। तो अल्लाह ताला की नेमत है, वरना अगर मैं अभी बाइक पे होता तो मैं खैर इस टाइम निकलता ही नहीं, तो मजबूरी हो जाती मेरा रात में निकलना और रश वाले टाइम पे निकलना। लेकिन बाइक और रश साथ में चल जाते हैं, गाड़ी और रश का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा चलता नहीं है। तो मैंने सोचा चलो, नींद तो अब आएगी नहीं दोपहर में, अब यह है कि जो टाइम है उसको यूटिलाइज करते हैं, काम निपटा लेते हैं जितने हो सकते हैं। इस वजह से अभी निकल गया हूँ और वापस भी आ गया हूँ, वरना मैं बहुत मुश्किल होता कि मैं वापस जाता इतनी सी चीज़ के लिए। वापस जाना इसलिए भी नागवार कम गुजरता है क्योंकि ये एक्वा है, ये हाइब्रिड है, इसकी फ्यूल एवरेज अच्छी है। और देखें, फिगर्स को ट्रैक करते रहना मुझे लगता है थोड़ी आपको डिप्रेशन में डाल सकता है कि आप बस फिगर्स ट्रैक कर रहे हो कि मैं मुझे कितनी फ्यूल एवरेज मिल रही है। लोग करते हैं लेकिन खैर मेरा नहीं ख्याल ऐसा करना चाहिए। आप ड्राइव करें, हाँ कॉशियस रहें कि हाँ आराम से चलाऊँ। जो दो तीन चीज़ें थम रूल ऑफ थम है जो, वो आप याद रखें कि ड्राइव नहीं करो और बिला वजह खड़ी गाड़ी में, मतलब स्टेशनरी में आप ज़्यादा नहीं चलाएं, आइडलिंग में आप ज़्यादा ना चलाएं। तो ये दो चार चीज़ों का तो ख्याल रखें, लेकिन आप हर वक्त ट्रैक ना करें कि पता चला आप खोल के रखें अभी कितनी एवरेज मिल रही है, ओहो ये करना आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। एक बार की अच्छी बात यह है कि आपको फ्यूल एवरेज की जो टेंशन है ना वो जहन में नहीं रहती, आपको ऐसा ख्याल ही ना आए मतलब इस चीज़ का कि यार मुझे फ्यूल एवरेज का भी सोचना है, तो इसका मतलब अच्छी फ्यूल एवरेज है। जिस तरह, अच्छा मैं एनवेलप ले आऊँ फिर बात करता हूँ। एनवेलप भी अब बस घर चल रहा है। अच्छा, रोडों पे जो मैं जिस चीज़ की तलकीन करने के लिए ये बनाया था, वीडियो बनाना शुरू की थी, वो यही था कि ख्याल करें रोड्स पे, रस जैसे जैसे बढ़ता है तो
एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ते हैं और आपके साथ किसी का झगड़ा हो जाए इसके भी चांसेस बढ़ते हैं। तो बेटर सेफ देन सॉरी। आप कोशिश करें जल्दी से घर चलें, मैं भी बस घर चलता हूँ। बात यहाँ पे ब्रेक आ गया था कि एक्वा की फ्यूल एवरेज इतनी अच्छी है कि आपको उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता। फिगर्स में बताना हर वक्त वैरी कर रही होती है फिगर आप। हाँ, ये भी मैंने और एक दोस्त ने हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब भी इसका ऑयल चेंज करवाओ उसके बाद थोड़ी सी फ्यूल एवरेज में ड्रॉप आता है कुछ दिन तक, जब तक ऑयल थोड़ा पुराना थोड़ा रवा नहीं हो जाता तब तक। ये भी मतलब अनऑफिशियल एक बात है लेकिन हमने एक्सपीरियंस किया है। तो वैरी करती रहती है और सीजन के हिसाब से भी वैरी करती है, क्योंकि अभी मैं एसी लो पे रख के चला रहा हूँ। वैसे मैं आमतौर पे अभी क्योंकि गर्मी बहुत है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वैसे मैं इतना लो पे रख के नहीं चलाता, मैं 23-22 तक चलाता हूँ, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है फ्यूल एवरेज पे। तो आपको सोचना नहीं पड़ रहा होता एक्वा की फ्यूल एवरेज का। जिस तरह आप अगर एक अच्छी बैटरी वाला अगर फ़ोन लो तो उसकी जीत वहीं पे है कि आप उसको कभी भी कहीं भी उठा के निकल जाओ, आपको ये टेंशन ना हो गया अरे मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है, बिल्कुल वैसी मिसाल है। तो बड़ी अच्छी बात है ये कि आपको एक गाड़ी भी इस तरह की फीलिंग दे रही है कि मैंने, मुझे याद नहीं मैंने कब इसमें फ्यूल डलवाया था, और आप माशाल्लाह चलाते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला प्लीज़ इसको ऐसे ही रखना, प्लीज़ इसको ऐसे ही रखना, इसको अच्छा रखना प्लीज़। करो चीज़ें ये वक्त के साथ साथ डिटेरिएट करती हैं और ये हमारे इस्तेमाल के लिए होती हैं, ये बात अल्लाह का शुक्र है मैं समझता हूँ। और अल्लाह ताला रमज़ान की बरकतें इंसानों पे लेके आए, हम पे लेके आए, मुसलमानों पे लेके आए, उस चीज़ की हमें ज़रूरत है। पाकिस्तान पे वो बरकतें रहमतें लेके आए और अल्लाह ताला हमें मज़ीद सैकड़ों रमज़ान देखने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए। चलें शुक्रिया बर्दाश्त करने का मुझे। अब इंशाल्लाह ईद के बाद मुलाकात होती है इंशाल्लाह।